हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सूजी चॉकलेट केक। तो ये केक मैंने एगलेस बनाया है और बिना किसी ओवन के यूज़ के मैंने इसे बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल बेकरी जैसा केक आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करें ताकि आप भी घर पर बहुत ही टेस्टी ऐसा केक बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। तो यहाँ पर मैंने एक जार लिया है और जार में हम ये सूजी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है, पहला ये 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ और अब ये दूसरा कप सूजी भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर काम जो है वो जार में करूँगी जिससे कि केक बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और जो हमने सूजी डाली है सूजी भी थोड़ी बारीक हो जाएगी। तो अब इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। तो चीनी भी यहाँ पर मैंने जार में ही डाल दी है ताकि ये भी सूजी के साथ पिस जाए। तो अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी और चीनी को जो है वो ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ऐसा फाइन सा पाउडर बन गया है इसका और दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। तो दूध यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। सारा दूध हम इसमें डाल देंगे और एक बार और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं सभी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं, एकदम क्रीमी सा बैटर बन गया है यहाँ पे। तो आपने देखा जार में कितनी इजीली हमने ये मिक्स बनाकर तैयार कर लिया है। आधा काम तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया है, यहाँ पर मैं स्क्वायर केक बनाऊंगी, इसके लिए स्क्वायर केक टिन मैंने लिया है और केक टिन को हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बटर से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें मैदा डस्ट करूँगी, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से घी या फिर बटर लगाने के बाद अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ 1 चम्मच और इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसमें मैदा कोट कर देनी है और जितनी भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टिन को हमने ग्रीस कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मलाई। यहाँ पर मैंने घर की फ्रेश मलाई यूज करी है, आप मलाई की जगह ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो मलाई को यहाँ पर हमें अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाना चाहिए। तो मलाई को यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर। तो इसे डालकर हमें मलाई में से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा थिक हो गया है तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो पाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही दूध मैंने इसमें डाला है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस 1 चम्मच, यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं ये जो बैटर हमने तैयार करा था इसे हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। तो थोड़े थोड़े बैच में हम इसे डालना है और इसे मिक्स करना है। तो बस अब लास्ट में जितना भी बैटर बचा है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो केक के बैटर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इनो का पैकेट।
इसे डालने से केक जो है वो बहुत ही स्पंजी बनेगा। और यहाँ पर मैं एक चम्मच दूध ले रही हूँ, दूध को हम इसके ऊपर से डालेंगे और इसे जल्दी से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर केक का बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है अब, और अब हम इसे टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि इनो को बिल्कुल लास्ट में हमें इसमें डालना है। तो यहाँ पर जो सारा बैटर जो है वो मैंने टिन में ट्रांसफर कर लिया है, और अब एक दो बार हम इसे ऐसे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल देंगे नमक, बॉटम में नमक डालकर इसे स्प्रेड कर लेना है। और इस पे हम एक स्टैंड रख देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे लिड को ढककर। तो ये जो कढ़ाई है वो अच्छे से प्री हीट हो गई है। उसके बाद अब हम इसमें केक टिन को रख देंगे। तो शुरू के 5 मिनट्स जो है आप इसको फुल फ्लेम पे रखें और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कर दें। तो यहाँ पर जो लिड में होल होता है उसे मैंने एक कागज की मदद से बंद कर दिया है। तो 25 से 30 मिनट हो गए हैं और केक जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैं एक टूथपिक डालकर आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है केक। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे कपड़े की मदद से। तो अभी केक जो है वो गर्म है, इसके लिए यहाँ पर मैं इस पे एक कपड़ा रख रही हूँ और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो केक जो है वो अब थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब एक नाइफ की मदद से यहाँ पर मैं इसे अनमोल्ड कर रही हूँ। तो नाइफ से इसकी साइड्स को हम ऐसे रिलीज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक जो है वो बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है और बहुत ही स्पॉन्जी ये केक बना है। तो अब नाइफ की मदद से जो इसका ऊपर का पार्ट है इसे मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। तो केक को आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके ऊपर से चॉकलेट गनाच लगा रही हूँ। तो अगर आपको भी जाना है कि चॉकलेट गनाच कैसे बनाई है मैंने, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पर इवनली मैंने चारों तरफ से इसे स्प्रेड कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स ली हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। इसे हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो आप भी इस चॉकलेट केक को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये केक बना है और सूजी से मैंने केक बनाया है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ऑसम है। तो मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्टली केक जो है वो कट हो रहा है। तो बस घर पे रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप ये टेस्टी केक घर पर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जाली कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही अच्छा ये केक बना है और बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। तो बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में और जार की मदद से हमने केक बनाया है, जिससे कि बहुत ही जल्दी केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।